उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम में आते हैं बाबा केदारनाथ। तो यार सबकी लाइफ का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है। मेरी लाइफ का भी एक सपना था केदारनाथ जी के दर्शन करना। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सपना इतनी जल्दी पूरा होगा और मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने जाऊँगा। तो जो आज हमारा सफ़र शुरू होता है वो होता है गौरीकुंड से। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग है बाबा केदारनाथ जी का। समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊँचाई पर है बाबा केदारनाथ जी का धाम। यदि आप गौरीकुंड शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पहुंचते हैं तो अगले दिन सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक का केदारनाथ जाने का उचित समय रहेगा, जिसमें आपको रास्ते में तरह तरह के सुंदर नज़ारे दिखेंगे और शाम को आप टाइम रहते केदारनाथ धाम पहुंच जाओगे। अगर आप केदारनाथ यात्रा मई से लेकर जून जुलाई के बीच में सोच रहे हैं तो अपने साथ एक रेनकोट और एक अच्छे जूते ज़रूर लेकर जाएँ। केदारनाथ धाम आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला बाय हेलीकॉप्टर, दूसरा खच्चर और तीसरा पैदल मार्ग। पैदल मार्ग में आपको प्रकृति की सुंदरता दिखेगी। हम 15 लोग थे तो हमने केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्ग चुना। अगर आप पैदल मार्ग करते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें और एक पानी की बॉटल ज़रूर रखें, क्योंकि रास्ते में अगर पानी की बोतल ख़त्म भी होती है तो रास्ते में काफ़ी स्रोत है पानी के जिससे आप भर सकते हो और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। कि तो हमारा सफ़र शुरू होता है गौरीकुंड से केदारनाथ का। भाई बंदों की हालत ख़राब हो चुकी है, ओमनी जल ले ली है, बस अब इसी को लगाएंगे पैरों पे। तो भाई सोनप्रयाग के पार्किंग में पहुँच चुके थे, गाड़ी लगा दी है। जैसे अभी ऊपर पार्किंग में चढ़ने दिखाता हूँ, ऊपर वो पार्किंग बनी है, वहाँ गाड़ी चढ़ेगी। अब यार देखते हैं ट्रैकिंग कर पाते नहीं, ट्रैक कर पाते ऊपर का नहीं कर पाते क्योंकि लेट हो गया काफ़ी। अगर हो सकता है कि हम ज़्यादा लोग हैं, 15 लोग हैं, क्या पता हमें जाने दे, क्या पता नहीं भी जाने दे। आज जाएंगे ऊपर या कल जाएंगे, देखते हैं जैसे भी रहेगा। वीडियो में बने रहना। ये जितने भी लोग ऊपर से आ रहे हैं, ये सारे जितने भी ऊपर से आ रहे हैं केदारनाथ ट्रैक से आ रहे हैं, इनकी वापसी हो चुकी है। तो भाई नीचे से रेनकोट वगैरह ले लिया क्योंकि ऊपर बता रहे थे बारिश हो रही है, तो रेनकोट हमने ले लिए पूरे। अब इस पर पहनते हैं और चलते हैं सीधा केदारनाथ की चढ़ाई करते, क्योंकि रात को ये परमिशन शायद मिल गई है, तो ऊपर चढ़ते सीधा केदारनाथ की तरफ। विवेक राघव, तो भाई चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। दिखा दो एक बार फॉग, दिखा दो कितना तगड़ा फॉग हो रहा है भाई। भाई देख सकते हो फॉग कितना तगड़ा, देखो हेलीकॉप्टर। लाइव दर्शन कराएगा है तो भाई वो देख सकते हो कितनी भीड़ है इस टाइम पे। मतलब कि इस टाइम पीक सीजन होता है मई जून का, हेलीकॉप्टर वगैरह जा रहे हैं ऊपर अपना, काफी मतलब कि छड़ी ले लेके जा रहे हैं लोग। पीक सीजन क्यों रखा है नाम ये भी देख सकते हैं। पीक सीजन इसीलिए रखा है इसका नाम क्योंकि देख सकते हो भीड़ कितनी है भाई कसम से। अभी तो हमने नीचे से चढ़ना स्टार्ट किया, ऊपर देखेंगे भाई सब कितनी भीड़ है। भीड़ देख रहे हो, भीड़ बढ़ती जा रही है। आते लोग ये जो इधर से आ रहे हैं, ट्रैक कम्प्लीट कर चुके हैं अपना, केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। भाई हमारा भी चांस आया नहीं ऊपर जाने का। नहीं चांस तो पूरा है भाई, तारों के नीचे से जाएंगे, जाएंगे जरूर। पर आगे लिखा है केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। हिंदी भी है भाई आपकी। भाई साहब मैं अपना फ़ोन में पढ़ रहा था ना। तो यार अब यहाँ से एक मतलब टैक्सी गाड़ी जाती है, टैक्सी गाड़ी जाएंगी ऊपर तक, तो उसमें चलते हैं। 15-16 लोग हम हैं तो अब गाड़ी बुक करके आएंगे। देख सकते हो इस तरीके की होती है बोलेरो टाइप की गाड़ियाँ, ये जाती है। उसके बाद वहाँ से होता है ट्रैक स्टार्ट पैदल का 19 किलोमीटर का, बाकी 3 किलोमीटर ये गाड़ी जाती है। भाई ये वाली गाड़ी जाती है टैक्सी वाली, बुलेरो वुलेरो टाइप की। तो हमारी 15 सीटें हैं, देखते हैं कौन सी मिलती है गाड़ी, क्योंकि एक गाड़ी में कह रहे हैं 10 बंदे बैठाएंगे सिर्फ। तो भाई टैक्सी में बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं सीधा गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड जाना है ना? हाँ, तो गौरीकुंड के लिए निकल लिया है। टैक्सी वाली सवारी ले ली हमने भी, क्योंकि इसके आगे हमारी गाड़ी है, नहीं जाने दे रहे हैं। देख सकते हो पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है इसके साथ, हम बैठे हुए हैं। बस निकलते सीधा गौरीकुंड की तरफ और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि केदारनाथ अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, तो देखते हैं कल सुबह ट्रैक करेंगे। बाकी अभी देखते हैं क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे क्योंकि वीडियो आपको देनी है बढ़िया। तो यार देख सकते हो भाई गाड़ी से उतरे थे अपनी टैक्सी से, तो यार देख सकते हो पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं भाई। यहाँ ये देखो ऊपर ऊपर तो घुमा रहे हो कैमरे को, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं, वो भी बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसा नहीं है कि छोटे से पहाड़ हैं, बिल्कुल बड़े बड़े।
एक यहाँ रुक गई है टैक्सी का पूरा जाम लग रहा आगे तक। वो कह रहे हैं जहाँ तक वो गौरीकुंड लिखा हुआ है दिखा दो जूम करके, जहाँ तक वो गौरीकुंड वाला बोर्ड लगा है वहाँ तक पैदल जाना है। तो हमने कहा पैदल ही चले जाते हैं क्योंकि जाम काफ़ी हो रहा है, देख सकते हो वहाँ तक पूरी रोड पर जाम ही जाम है। भाई चलते चलते हमारे भाई का मन किया भुट्टा खाने का, इस भाई के लिए ले रहे हैं भुट्टे। तो दोस्तों हमने एक रूम ले लिया था, देख सकते हो नाइट में कितना सही व्यू आ रहा है। ये अपनी केदारनाथ से जो ऊपर से नदी आती है वाली नदी है। अब कल सुबह मतलब कि कल रात को कह रहा हूँ, कल मॉर्निंग में 3 बजे केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सुबह 4:00 हो चुके हैं, देख सकते हो ठंड कितनी हो रही है इस टाइम पे। अब केदारनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो पहले हमने सोचा कि गौरीकुंड है यहाँ पे नहा धो के चलते हैं, यहीं से तैयार होकर चलेंगे क्योंकि ऊपर 17 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद ऊपर ठंड ज़्यादा होगी और नहा पाएंगे नहीं नहा पाएंगे, यहीं से नहा के चलते हैं सीधा ट्रैक के लिए। ऊपर दिखाता हूँ गौरीकुंड एक बारी। सेकेंड ड्राइवर तो भाई देख सकते हो मॉर्निंग 4 बजे तप्तकुंड, देखो कैसे भाप निकल रहा है पानी से, पूरा साफ नहीं दिख रहा है जितना दिख रहा है, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की बगैर जल्दी ऊपर भी निकलने केदारनाथ जी के दर्शन करने। तो जितना यहाँ पे ले सकता हूँ छोड़ता रहता हूँ, बाकी ऊपर के नज़ारे तो मज़ा ही आने वाला है। तो भाई गौरीकुंड में नहा लिया था, बस अब ऊपर चढ़ाई करने केदारनाथ की, देख सकते हो अभी लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। बाकी हमने भी नहा लिया, गर्म पानी था काफ़ी, मतलब कि जाना था बिल्कुल आराम आराम से गए पानी के, इतना गर्म था खोलता कि जाया नहीं आ रहा था हमारे से, देख सकते हो पीछे अपनी नदी जा रही है। अब सीधा करते हैं ट्रैक ऊपर के लिए क्योंकि ये जो नदी है मैंने कल रात भी बताया था ऐसे आपको नहीं बताया, दोबारा बताता हूँ कि ये केदारनाथ से ऊपर से ही आ रही है। तो चलते हैं अब सीधा केदारनाथ की तरफ और ऊपर सिनेमैटिक्स टाइम लैप्स लोगों सब इन्जॉय कराऊँगा A to Z। जैसे किसी को भी खच्चर वच्चर चाहिए हो तो यहाँ से खच्चर मिलते हैं, ये खच्चर के हैं देख सकते हो, यहाँ सारे खच्चर ही खच्चर हैं। ये जा रहे हैं, यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि 3:30 बजे सुबह हो जाते हैं पर हमें टाइम लग गया, 5 बज चुके हैं, हमने थोड़ी लेट यात्रा स्टार्ट क्योंकि नहाने आने लग गए थे गौरीकुंड के अंदर। अब यार सांस फूल लिया सीरियसली। एंट्री दिखाता हूँ केदारनाथ जाने के लिए, जो मेन गेट की एंट्री है देख सकते हो पीछे, एक बार दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से कि कैसा दिखता है गेट। तो भाई यहाँ से एंट्री है केदारनाथ जाने के लिए ऊपर के लिए, पहले यहाँ से 15 किलोमीटर बचा है उसके सिर्फ केदारनाथ। तो यार थक गए काफ़ी, अभी हमें वहाँ जाना है। हम देख सकते हो ग्लेशियर दिख रहे हैं यहाँ से उस जगह पे केदारनाथ। भाई हमारे ट्रैक का सबसे पहला वाटरफॉल छोटा सा है पर जो भी है दिखा दिया, आगे तो बहुत सारे वाटरफॉल आने वाले हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। वही ट्रैक करने के बाद एक जगह बैठे थे जंगल चट्टी नाम है इस जगह, यहाँ पे कुछ खाते पीछे ढाबा वगैरह देख सकते हो। थक गए भाई सारे के सारे बिल्कुल, सबकी हालत ख़राब है। अब सीधा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं, आलू के पराठे वगैरह ले रहे हैं, बाकी खाते हैं और चलते हैं ट्रैक की तरफ क्योंकि यार अभी मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर के आसपास बचे ट्रैक पूरा करना है। डंडे वंडे सब ले लिए, अब खाना नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट ही करना है तो इसके बाद निकलते सीधा ऊपर के। तो यार ट्रैक करते करते बहुत थक चुके हैं, देख सकते हो हालत कैसी हो रही है बिल्कुल, ये शर्ट पूरी भीग चुकी है पसीने में, जैकेट मैंने डाली थी मतलब स्वेटर डाला था, काफ़ी पसीना हो चुका है। यहाँ पे आपको जगह जगह ऐसे नींबू पानी वगैरह वाले मिल जाएंगे। अभी तो अभी हम यहाँ से कम नहीं तो 11 किलोमीटर ज़्यादा है, 11 किलोमीटर में और चढ़ना है पहाड़ों की तरफ। हालत सबकी डाउन हो चुकी है भाई इस टाइम में, ट्रैक करना कोई आसान बात नहीं है भाई यहाँ का सीरियसली। चीज़ देखिए दिखाता हूँ सीरियसली भाई, बहुत तेज़ है पानी का। एक चीज़ और, ट्रैक करते करते ऊपर पत्थरों से पानी गिर रहा है, काफ़ी ठंडा पानी अभी गए थे इसके नीचे, बाकी भाई सांस फूल रही है पूरी पूरी चलते चलते ऊपर, काफ़ी लंबा चल चुके। कितने किलोमीटर चल लिए अभी तक हम? 7 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक, अभी कितना 10-12 किलोमीटर रह गया होगा। भाई यहाँ से 2 रास्ते पड़ते जाने के, उस साइड नीचे से एक रास्ता कटता है, ये यहाँ से घूमता हुआ काफ़ी लंबा देखो यूँ यूँ करके ऊपर से वहाँ जाएगा, और हम जिस रास्ते जा रहे हैं वो यहाँ से पड़ता है सेकेंड रास्ता सीधा ऊपर वहाँ पर, देखो कितना लंबा रास्ता है ये वाला, इसलिए हम नहीं गए यहाँ से। 1.5 किलोमीटर पूरा सेव होता है इस रास्ते पर।
भाई जो मैं पुल दिखा रहा था पीछे से, ये वाला पुल, वाला पुल है। कुछ टाइम पहले यहाँ बर्फ गिरी थी, देख सकते हो बर्फ जम गई है, मतलब कि अजीब सी हो गई है बिल्कुल। पंगल वंगल पता नहीं क्या क्या जमी है उसके ऊपर, जाने लायक छोने लायक तो है नहीं, मोटी पड़ा था बाकी काफी। और अभी हो चुकी है बारिश, हम जा रहे हैं ट्रैक कर रहे हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई, रेनकोट वगैरह नहीं डाले हुए हैं दिखा। तो भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है, रेनकोट वगैरह लेके आए नीचे से अगर जो ऊपर को ट्रैक करने आ रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरे ख्याल से बारिश, 2 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। और पानी की बोतल जरूर लेके आए, पानी की बोतल नहीं मिलती बिल्कुल भी, पेप्सी वगैरह मिल जाएगी क्योंकि पेप्सी वगैरह यहाँ पे 40 वाली बोतल 80 रुपए की है, पानी की बोतल 40 रुपए की है। भाई मौसम खराब हो चुका है देखो बहुत ज़्यादा, अभी बारिश हुई थी, अभी बारिश रुकी है, बादल ही बादल देखो, अलग ही आ रहा है कसम से। सारी तरह बादल नीचे वाले ऊपर को आ रहे हैं तो ऊपर बारिश होगी शायद। तो भाई वो देख सकते हो एकदम सारे बादल ही बादल, कोरा कोरा हो गए यहाँ पे सारा का सारा, अभी बारिश हो रही थी ये देखो सारा पीछे के उधर के नीचे जो लोग आ रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, पहले पीछे जाना स्टार्ट हुआ था आगे तक पहुँच चुका है। ये तो फ्रीजर जैसी हो रही है, आप लेते कर भाई। तो भाई अभी सो के उठ चुके हैं, रात को आते आते हमें 7:30-8 बज गया था क्योंकि बारिश तेज हो गई थी नीचे से, ऊपर के लिए भीगते हुए हैं सारे कपड़े भीग गए थे, अभी ये पहना है। केदारनाथ पहुंच चुके हैं, अब करते सीधा केदारनाथ के दर्शन। रात को हमने कैंप लिया था, कैंप दिखाता हूँ कि कैंप कहाँ लिया था हमने, केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में। भाई ये लोकेशन है जहाँ हमने कैंप लिया था, याला कैंप लिया था हमने, ये निकल लिया बंदे बाहर, ये बिल्कुल मंदिर के पास है, दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे आगे जाके राइट होंगे, सामने मंदिर बिल्कुल टक्कर पे। रात को हमें बज गया था भाई साहब 7:30-8 बज गया था आते आते, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, पूरे भीगते हैं, कपड़े वपड़े सब भीग चुके, कैमरा वगैरह सब पूरा भीग चुका है। अब चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ क्योंकि लाइन में भी लगना है। यहाँ का बिल्कुल सामने ग्लेशियर से बिल्कुल इस बिल्डिंग के पीछे ही है बिल्कुल बर्फ वाले पहाड़। अभी दिखाता हूँ मंदिर की लाइन कितनी भीड़ है और भाई कितने बजे तक दर्शन होते हैं हमारे, सब दिखाता हूँ आपको। आवाज देख रहे हो कितनी भारी हो चुकी है इस टाइम, तो भाई ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, दिखाता हूँ इस टाइम पे आके देख रहे हो कैसे सूख चुकी है। कैंप दिखाता हूँ मैंने मंदिर से कितनी पास कैंप लिया था हमने, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ा पर ठीक है कि मंदिर के सामने मिल गया। दिखाता हूँ कहाँ है कैंप, मंदिर के बिल्कुल सामने मोरा वारा कैंप, ये रहा मंदिर। हटना भाई साहब देखो ये रहा मंदिर सामने, जय बाबा केदारनाथ। भीड़ देख सकते हो भाई, लाइन कितनी बड़ी है। भाई देख सकते हो भीड़ कितनी हो रही है यहाँ पे सीरियसली, मतलब ये दर्शन के लिए अभी 6:30 बज रहे हैं, दिन के कह रहे 2 बज जाएगा दर्शन करते करते, पर भाई एक सुकून अलग ही है यहाँ पे आके, और ठंडी इतनी लग रही है, आवाज़ नहीं निकल रही, हाथ कांप रहे हैं। लाइन में लग चुके हैं, देख सकते हो लाइन कितनी बड़ी है। बस अब चलते हैं सीधा केदारनाथ जी के दर्शन करने, क्योंकि काफी लेट हो गया था, हमने कहा जल्दी दर्शन करके निकलते हैं आगे की तरफ। लग चुके हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, देख सकते हो बाबा के दर्शन के लिए बस थोड़ी सी दूर रह गई, बस बाबा जी के दर्शन करने चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ तक शूट कर सकते हो जितना कर सकता हूँ बस, अगर अलाउड होगा तो अंदर की वीडियो दिखाएंगे आपको।
तो भाई कितना कष्ट करना पड़ा हमारे को जाने के लिए बताओ जरा। वैसे पर फाइनली अंदर जा रहे हैं मंदिर के, धूप होते जो दिखाता हूँ अंदर का आपको, मंदिर के दर्शन कराता हूँ अंदर से। तो भाई नंदी जी देखो बैठे हुए सामने केदारनाथ धाम की तरफ मुंह करते हैं मंदिर की तरफ। ये अपनी मंदिर के एंट्रेंस, बस दो चार मिनट और मंदिर के अंदर। भाई साहब सीरियसली अलग ही व्यू है भाई मंदिर का, फर्स्ट टाइम आया हूँ लाइफ में, पर कहते हैं ना एक सपना था जो हमने पूरा कर लिया आज। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई बस थोड़ी सी देर और अंदर जा रहे हैं मंदिर के, अब दर्शन कराता हूँ आपको डायरेक्ट। ये थोड़ा ऊपर आ गए थे भीमशिला की तरफ, देख सकते हो ये भीमशिला है जिससे केदारनाथ आपदा के टाइम पे बचा था। बाकी भाई व्यू बहुत तगड़ा, पीछे देख सकते हो ग्लेशियर्स। दर्शन हो गए, टाइम से दर्शन हो गए थे भाई। यहाँ फोटो शूट वगैरह चल रहा है सबका तगड़ा तगड़ा। अब कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। भाई की तबीयत कल कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी भाई, पैर पैर में दर्द। कितने ट्रैकिंग जो है ना भाई 19 किलोमीटर लिखा होता है, पर 19 किलोमीटर से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा होगी भाई? 22-23 किलोमीटर है भाई, जिससे भी ज़्यादा है। मेरे को लगा 30 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी जाओगे 6-7 किलोमीटर लिखा होता है, पर उससे ज़्यादा की ट्रैकिंग है सारी की सारी। भीमशिला दिखाता हूँ आपको एक बार। तो भाई देखो ये है भीमशिला भाई, व्यू कसम से यहाँ पे आके ना भाई दिल खुश हो गया कसम से। ग्लेशियर्स देखो भाई। अब हम निकलेंगे इसके बाद सीधा बद्रीनाथ। अब पहले करते कुछ नाश्ता वगैरह, दर्शन वगैरह हमारे हो चुके हैं। तो भाई दर्शन वगैरह हो गए थे, अब निकलने सीधा बद्रीनाथ की तरफ। पहले जाएंगे पार्किंग वगैरह में, वहाँ पे सामान वामान रखा हुआ है। यहाँ से देखते हैं कौन खच्चर पे जाएगा, कौन कैसे जाएगा, दिखाता हूँ। अब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से फिर। तो भाई ये लास्ट दर्शन केदारनाथ जी के, इसके बाद उतर रहे हैं हम नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें निकलना है बद्रीनाथ। पहले एक लास्ट दर्शन करा देते आपको केदारनाथ जी के। सारे भाई लोग आए हुए थे, सबने दर्शन कर लिए। लास्ट दर्शन है, अब यहाँ से निकलना है बद्रीनाथ, क्योंकि अब ट्रैक भी है, 7-8 घंटे नीचे उतरने में लगेंगे। उसका चलते सिर्फ बद्रीनाथ पार्किंग में जाएंगे, कुछ खाएंगे, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद उतरेंगे नीचे। अब भाई फाइनली नीचे उतर चुके हैं, ये देख सकते हो गेट आ चुका है। अब यहाँ से चलते हैं पार्किंग में, कुछ खाने के लिए बनाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधा बद्रीनाथ के लिए। तो मिलते हैं आपसे सीधा पार्किंग में। भाई बंदों की हालत ख़राब हो चुकी है, ओमनी जल ले ली है, बस अब इसी को लगाएंगे पैरों पे। देख सकते हो वापसी यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ सुबह सुबह दिन आया था कुंड के अंदर। अब चलते हैं सीधा पार्किंग की तरफ, बस पार्किंग पे जाते हैं, कुछ खाएंगे वहाँ जाके, ट्यूब वगैरह लगाएंगे। भाई कल हम जब रात को आ रहे थे तो यही देख सकते हैं, ट्रैवलर है यहाँ पे, ये ठुक गया था पूरा, मतलब कि इसके अंदर जो सवारी थी उसको भी चोट वगैरह लगी थी काफ़ी, देख सकते हो। देख सकते हो पूरी लाइन लगी, जिस टाइम मैं अक्टूबर नवंबर के टाइम आया था उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, बट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है।